परिचय। सम्मेलन में लॉन्च की रोहिला ऐप, 251 युवक युवतियों का हुआ परिचय सम्मेलन। दिल्ली प्रदेश रोहिला टांग क्षेत्रीय सभा का विवाह योग्य युवक युवतियों का चतुर्थ वैवाहिक परिचय सम्मेलन सामुदायिक भवन सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान रोहिला ऐप लॉन्च भी की गई। सभा के संरक्षक नंद किशोर वर्मा द्वारा सम्मेलन का डिजिटल उद्घाटन किया गया। मंच संचालन अशोक अग्रोही ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मवीर आर्य द्वारा की गई। कार्यक्रम में नरेला सभा के प्रधान महावीर रोहिला ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में 251 युवक युवतियों का परिचय करवाया गया। परिचय सम्मेलन में अशोक अग्रोही द्वारा सभी युवक युवतियों का रोहिला समाज के लोगों को अवगत करवाया गया। वक्ताओं ने परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को ऐसे कार्यक्रम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय और परिजन एक दूसरे से संपर्क करने का मौका मिलता है, जिससे विवाह योग्य युवक युवतियों के परिजनों को फायदा मिलता है। सम्मेलन में युवक युवतियों के साथ साथ तलाकशुदा लोगों का बायोडाटा प्रकाशित किया गया है, जिससे लोग एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि समाज की ओर से बीते 3 वर्षों से ये वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी युवक और युवतियां लाभान्वित हो चुके हैं। दिल्ली से रणबीर रोहिला की रिपोर्ट। हमारे जो ना बच्चे बहुत शिक्षित बच्चे जो ना हमें हमारे समाज के जो ना बायोडाटा मिल रहा है, इससे समाज के अच्छी अच्छी पढ़ाई का काम संस्था कर रही है। जो ना दिल्ली प्रदेश हमारा जो ना रोहिला टाक सभा दिल्ली प्रदेश का छोटा प्रोग्राम है, समाज को इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और हम सब दिल्ली प्रदेश और 8 सब आए मिल के जो है इसको इस प्रोग्राम को हम करते हैं, इससे समाज को जो है ना बहुत ज़्यादा। हमारे पास पहले रजिस्टर्ड थे और आज की डेट में सेम डे 50 रजिस्ट्रेशन आज हमारे पास आए हैं, जिससे समाज का बहुत दिनों की मांग थी, उसको पूरा करने में हम सफल होंगे। पर अपनी ऐप रोहिला टाक ऐप जो गूगल ऐप पर उपलब्ध होगी, जिसके अंदर मैट्रिमोनियल सर्विसिंग और समाज से संबंधित अन्य समाचार होंगे। इसी प्रकार आज जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए, कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे संरक्षक श्री नंद किशोर वर्मा जी ने, प्रधानमंत्री जिस विषय पे ज़्यादा जोर देते हैं कि डिजिटल इंडिया, आज हमने ओपनिंग सेरेमनी डिजिटल इंडिया के रूप में कराई।